उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा का अक्वामे मुतहदा में जंग बंदी के लिए वोट, फलस्तीनी एलची की कनाडा की तारीफ। अबू अमारा ने कहा कि कनाडा को मुख्तसर मुद्दत में जंग बंदी पर जोर देना चाहिए। कनाडा की वफाकी लिबरल हुकूमत का गन कंट्रोल बिल सेनेट से मंजूर हो गया। कनाडा में हैंड गन की फरोख, खरीदारी या मुंतकली रोकी जा सकेगी। ये बिल कई महीनों की तकसीम और सियासी तनाव के बाद हाउस ऑफ कॉमन से मंजूर हुआ था। टोरंटो में व्हाइट क्रिसमस आम दिसंबर से ज्यादा गर्म होने के साथ मुख्तसर होने का इम्कान। टोरंटो में दर्जा हरारत मामूल से जायद गर्म है। क्रिसमस के रोज 2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। यूक्रेन में अहदाफ के हुसूल तक अमन मुमकिन नहीं हो सकता। रूसी सदर ने गजा की सूरत हाल को तबाहकुन करार दे दिया। सदर प्यूतन का कहना है कि गजा की सूरत हाल का यूक्रेन से मवाजना नहीं किया जा सकता। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा में फलस्तीनी सफीर ने गजा की पट्टी में जंगबंदी के लिए अक्वामे मुतहदा में कनाडा के वोट की तारीफ की है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में फलस्तीनी सफीर ने गजा की पट्टी में जंग बंदी के लिए अक्वामे मुतहदा में कनाडा के वोट की तारीफ की है, जबकि कनाडा की हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो दो रियासती हल के लिए आलमी काम करे। कनाडा में फलस्तीनी जर्नल डेलीगेशन की चीफ नुमाइंदा मूना अबुमारा ने जुमेरात को एक इंटरव्यू में कहा, इसराइल ने कनाडा को ऐसी पोजिशन में डाल दिया है कि वह ज़मीन पर इश्तियाल अंगेज सूरत हाल को मुआफ नहीं कर सकता। आप सड़कों पर आवारा कुत्ते खा जाने वाली लाशों को मुआफ नहीं कर सकते। आप मलबे तले दबे लोगों को मुआफ नहीं कर सकते जिन तक प्यारे भी नहीं पहुंच सकते। अबू अमारा का कहना है कि क्या के फलस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जा तशद्दुद का एक चक्कर पैदा कर रहा है जिसमें हमास का हमला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दो रियासती हल पर पेशरफ्त का फुकदान बुनियादी पैगाम था जो फलस्तीनी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मुस्लिम ममालिक के एक वक्त के तौर पर ओटावा के दौरे पर लाए थे। अबू अमारा ने कहा कि कनाडा को मुख्तसर मुद्दत में जंगबंदी पर जोर देना चाहिए और दो रियासती हल को दोबारा पटरी पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए और इन मंसूबों को अमनी जामा पहनाना चाहिए जिन पर दोनों फरीक दहाइयों कबल मुत्तफिक हुए थे। उन्होंने कहा कि ऑटावा इसराइल पर मौशी और सियासी दबाव डाल सकता है और मुल्क को बैन अल-अक़वामी अदालतों में लाने की कोशिश कर सकता है, जिसमें कनाडा के यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के बाद रूस के साथ बर्ताव की तरफ इशारा है। अबू अमारा ने मजीद कहा कि कनाडा को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक को हथियारों की फरोख पर पाबंदी के कवानीन को मुस्तकिल तौर पर नाफिज करने की ज़रूरत है। उन्होंने कनाडा को फलस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करने में एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमरीका के बेशतर हिस्सों में शामिल होने और अक़वामे मुत्तहिदा की कोशिशों की हिमायत करने की भी तरगीब दी। अबू अमारा ने जोर देकर कहा कि यहूदियों को कनाडा और इसराइल में अमन से रहने का हक है। उसने दलील दी कि इसराइल की जानिब से किए जाने वाले फौजी इकदामात अमन को नुकसान पहुंचाते हैं और तशद्दुद बहुत से फलस्तीनियों को अस्करियत पसंद ग्रुपों की हिमायत पर मजबूर करता है। कनाडा की वफाकी लिबरल हुकूमत के मुतनाज़े गन कंट्रोल कानून साजी बिल C-21 जुमेरात को सेनेट से बगैर किसी तब्दीली के मंजूर हो गया और अब ये कानून बनने के लिए तैयार है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी लिबरल हुकूमत के मुतनाज़ा गन कंट्रोल कानून साजी बिल C-21 जुमेरात को सेनेट से बगैर किसी तब्दीली के मंजूर हो गया और अब ये कानून बनने के लिए तैयार है। ये बिल कई महीनों की तकसीम और सियासी तनाव के बाद
मई में हाउस ऑफ कॉमन से मंजूर हुआ। जिस वर्जन ने इसे सेनेट तक पहुंचाया उसमें नुमाया तौर पर तौसी की गई जो वफाकी हुकूमत ने एक साल कबल इब्तदाई तौर पर पेश की थी। बिल C-21-24 के मुकाबले में 60 वोटों से ऐवान बाला में तालियों की गूंज में मंजूर हुआ। कानून साजी बंदूक के कवानीन को सख्त करती है ताकि बंदूक के मालिक से मुतालिक सुर्ख परचम और पीले झंडे की दफात शामिल हों जो अपने या दूसरों के लिए खतरा बनते हैं। कैनेडा में हैंड गन की फरोख्त खरीदारी या मुंतकली रोकी जा सकेगी। एक मुमकिना जाब्ता फौजदारी तकनीकी तारीफ जो कि एक ममनुआ हमला तर्ज का आतिशी असलहा बनाता है, जिसका मतलब यह है कि बिल के नाफिज होने के बाद मुस्तकबिल के मॉडल्स पर मुस्तकिल पाबंदी कानून के मुताबिक लगाई जाए। इस बिल में तकनीकी तारीफ के नाफिज होने के 5 साल बाद पार्लिमानी नजरसानी की ज़रूरत भी शामिल है, जबकि दीगर मुतालिका इकदामात के सिलसिले को जवाबित के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त के बिल C-21 का दिफा करते हुए इस वक्त के अवामी तहफ़ के वजीर मार्को मेंटिचिनो ने कहा कि जब बंदूक के कंट्रोल की बात आती है तो लिबरल्स इस मुल्क की तारीख में किसी भी हुकूमत से ज्यादा आगे जाने के लिए पुरअज़म है, जबकि कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने कानून साजी पर जोर दिया जो कानून की पासदारी करने वाले बंदूक के मालिकान को निशाना बनाता है। बिलाखिर 6 महीनों के बाद जिसमें सैनेट की कौमी सलामती दिफा और साबिक फौजियों के उमूर की कमेटी में दर्जन भर दिनों का मुताला शामिल था जहां से 66 गवाहों को सुना गया, बिल C-21 बगैर किसी तरमीम के सैनेट से मंजूर हुआ। बिल की मंजूरी पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कोलेशन फॉर गन कंट्रोल के अरकान ने जश्न मनाया कि इस बिल को बहुत मुश्किल और तवील पार्लिमानी अमल के बाद शाही मंजूरी दी जाएगी। टोरंटो में वाइट क्रिसमस आम दिसंबर से ज्यादा गर्म होने के साथ मुख्तसर हो सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में वाइट क्रिसमस आम दिसंबर से ज्यादा गर्म होने के साथ मुख्तसर हो सकता है। माहरीन मौसमियात के मुताबिक व्हाइट क्रिसमस का इम्कान मादूम होता दिखाई दे रहा है क्योंकि दिसंबर का गर्म मौसम जारी है। टोरंटो और GTA में जुमे को दर्जा हरारत दोहरे हिस्से में पहुंचने का इम्कान है। 21 दिसंबर को मौसम सरमा का पहला सरकारी दिन एक हफ्ता दूर है और क्रिसमस की शाम 10 दिन बाकी है, लेकिन शहर ने अभी तक इस महीने के शुरू में बारिश और बर्फ़ के मरकब के अलावा ज़मीन पर बर्फ नहीं देखी है। ये टोरंटो में दिसंबर के लिहाज से हल्का दर्जा हरारत रहा है और ये रुझान जुमेरात को 6 सेंटीग्रेड और जुमे को 10 सेंटीग्रेड की पेशनगोई के साथ जारी है। साल का इस दौरान का औसत दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड है। माहरीन मौसमियात के मुताबिक टोरंटो में क्रिसमस के दिन ठंडी हवा चल सकती है, लेकिन इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि बर्फ हो। एनवायरमेंट कैनेडा ने सफ़ेद क्रिसमस की तारीफ क्रिसमस के दिन सुबह 7 बजे तक ज़मीन पर 2 या इससे ज़्यादा सेंटीमीटर बर्फ के तौर पर की है। उससे एक कदम आगे एक परफेक्ट वाइट क्रिसमस होगा जिसमें क्रिसमस के दिन ज़मीन पर 2 या ज़्यादा सेंटीमीटर बर्फ होगी। आदाद शुमार से पता चलता है कि 1951 से 2021 के दरमियान टोरंटो में सफ़ेद क्रिसमस का सिर्फ 51% इम्कान होता है। हालिया बरसों में ये इम्कान तकरीबन 40% तक गिर गया है। पेशन गोई नोट करती है कि दिसंबर के मामूल के करीब दर्जा हरारत अब भी ज्यादातर इलाकों में मौसम सरमा के तूफानों के लिए काफी ठंडा है, यानी सफेद क्रिसमस का हकीकी इम्कान बाकी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गजा की सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए कहा कि गजा की सूरत हाल का यूक्रेन से मुवाजना नहीं किया जा सकता। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी अहदाफ के हुसूल तक अमन मुमकिन नहीं हो सकता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गजा की सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए कहा कि गजा की सूरत हाल का यूक्रेन से मुवाजना नहीं किया जा सकता। आलमी ज़राए ब्लाग के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब तक यूक्रेन में रूसी अहदाफ हासिल नहीं हो जाते उस वक्त तक अमन मुमकिन नहीं होगा। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूसी सदर की इस साल के अख्ताम पर पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी। रूसी अहदाफ से मुतालिक सहाफ़ियों के सवाल पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को नाजीज़म से पाक करने और फौजी क़ुव्वत में कमी करके उसे गैर जानबदार रियासत बनाए जाने तक अमन मुमकिन नहीं हो सकता। रूस ये इल्ज़ाम आयद करता है कि यूक्रेनी हुकूमत कट्टर कौम परस्तों और न्यू नाजी ग्रुपों के बहुत ज़्यादा ज़ेर असर है। यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों हामी ममालिक इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ये मुतालबा भी दोहराते रहे हैं कि यूक्रेन गैर जानबदार रहे और नाटो अस्करी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार ना करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी सदर ने कहा कि जहाँ तक यूक्रेन की फौजी ताकत में कमी का ताल्लुक है तो वो इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं, चुनाचा हम दीगर इकदाम बशमूल फौजी इकदाम करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि या तो हम इस पर राजी हो जाते हैं या फिर ये हमें ताकत के जरिए हल करना था। रूसी सदर ने बताया कि इस वक्त यूक्रेन की सरजमीन पर मौजूद रूसी फौजियों की तादाद 6,17,000 है, उनमें 2,44,000 रिजर्व अहलकार भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मजीद
486,000 روسی شہری رضاکارانہ طور پر جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ برس کے اختتام پر روسی صدر نے نیوز کانفرنس کا انعقاد نہیں کیا تھا، تاہم جمعہ رات کو انہوں نے سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب ایک ایسے موقع پر کیا جب وہ مارچ 2024 میں پانچویں بار صدارتی انتخاب لڑنے جا رہے ہیں۔ 71 سالہ روسی رہنما کی صدارتی انتخابات میں کامیابی تقریباً یقینی ہے۔ انتخابات میں کامیابی کی صورت میں وہ 2030 تک عہدہ صدارت پر براجمان رہیں گے۔ یوکرین کے ساتھ جاری جنگ کے تناظر میں مغرب کے ساتھ تعلقات پر لبکشائی کرتے ہوئے ولادیمیر پیوتن نے کہا کہ مغرب کی ہماری سرحدوں کی جانب بڑھنے کی بے لگام خواہش اور یوکرین کو ناٹو میں شامل کرنے کی کوشش نے اس صورتحال کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں فوجی اقدامات کرنے پر مجبور کیا۔ چین کے ساتھ تعلقات کے سوال پر روسی صدر کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات تاریخ کی مضبوط ترین سطح پر ہیں۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔